हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पेयर की चटपटी सी चटनी। हमने कैरी की चटनी, आंवले की चटनी, मूंगफली की चटनी, बहुत सारी चटनी हम बनाते हैं, बट आज हम बनाएंगे पेयर की चटनी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट भी बन जाती है। तो इसके लिए हम दो पेयर लेंगे यहाँ पर, और थोड़ी सी दालचीनी, और जो स्टार एनीस होता है वो, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी चीनी। तो पेयर के जो ऊपर का छिलका है उसे हम पील ऑफ कर लेंगे इस तरह से, और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। ये पेयर जो होते हैं वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो बस चीनी हमें थोड़ी सी यूज़ करनी है, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो इस तरह से ये देखिए हम इसके पीसेस बना लेंगे। ये जो पेयर की चटनी है वो बहुत ही आसान है बनाना, और इसे हम सिंपल दाल चावल के साथ भी बहुत ही इंजॉय करके खा सकते हैं, जैसे हम अचार खाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए सारे पीसेज हम बना लेंगे। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़े से स्टार एनीस, अदरक और जो दालचीनी है उसका यूज़ करेंगे। इसका ही फ्लेवर इसमें, इस चटनी में काफ़ी होगा। तो इस तरह से सारे पीसेज बना लेंगे। अब एक पैन में जो है हम ऑयल लेंगे, ऑयल इसमें बहुत ही कम लगता है। अब एक पैन में एक टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे, उसमें राई और ज़ीरा हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इसी में ये जो पेयर्स के पीसेस हैं उन्हें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखनी है। अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा और जो स्टार एनीस था उसे, और जो अदरक थी उसको बारीक पीसेस करके हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी में स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, चीनी, लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से इसे लो फ्लेम पर हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने चीनी ऐड की है, इसमें नमक ऐड किया है, और ये जो पेयर है इसका भी खुद का पानी है, ये इन्हीं चीज़ों के पानी के साथ अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पेयर जो है अच्छे से गलना स्टार्ट हो चुका है। बस इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही और लो फ्लेम पर हमें पकाना है, उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हल्का हल्का। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये चटपटी चटनी है तो इसमें मिर्च है, नमक है, चीनी है, और नींबू भी आएगा इसमें। तो आधा नींबू का रस हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी जो है अच्छे से 15 से 20 दिनों तक हम फ्रिज में स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से गलने के बाद हम हल्का हल्का इसे मैश कर लेंगे। हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है, बस हल्का सा चंक्स भी रखेंगे और थोड़ा सा मैश कर देंगे। तो मैश करने के बाद इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई कर लेना है हमें, और हमारी चटपटी सी जो ये पेयर की चटनी है वो रेडी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियोज़, रेसिपीज़ अगर पसंद आती हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए हल्का सा मैंने मैश कर लिया है सारे पेयर को, बस इसका जो पानी है वो ड्राई होने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, और हमारी चटनी जो है वो रेडी है। तो ये देखिए पानी भी हल्का सा ड्राई हो चुका है, हमारी चटनी भी रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसे हमें ठंडा कर फ्रिज में रख कर 15 से 20 दिनों तक आराम से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे सिंपल रोटी के साथ, दाल चावल के साथ आप खा सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, टेस्टी भी है चटपटी सी चटनी। पेयर का कुछ नया हम बनाकर खा सकते हैं, तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।